सुबेदार रविंद्र कौशिक, भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त जो सेनाएं हैं वो हमेशा देश के लिए बलिदान देकर और तिरंगे में लिपटना अपनी शान समझकर और देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। मैं जब छोटा था तो तब से ही भारतीय सेना में जाने का एक जज्बा दिमाग में था। 8वीं क्लास से भारत स्काउट एंड गाइड्स में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद एनसीसी के 3 साल कंप्लीट किए और ग्रेजुएशन के बाद दयाल सिंह कॉलेज करनाल से मैं निकला अपने सेना के लिए, अपनी सेना में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। सौभाग्य मेरा ये रहा कि मैं सी सर्टिफिकेट्स के बाद मुझे भारतीय थल सेना में डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर के रैंक पर मैं वहाँ पे नियुक्त किया गया। और उसी दौरान 97 में मैं भर्ती हुआ और कुछ ट्रेनिंग के समय को निकाल के अगर देखें तो 1 साल मात्र मेरी उस समय जो जॉब थी। और उसी दौरान पाकिस्तानी जो घुसपैठिए थे उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ की और कारगिल जैसा एक युद्ध जो है हमारे सामने चुनौती बनकर आया। भारतीय थल सेना, वायुसेना ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया और दुश्मन के छक्के छुड़ाए और उसको खदेड़ दिया। उसी दौरान मेरी यूनिट को टास्क मिला कि पठानकोट से लाहौल स्पीति के रास्ते हमें गोला बारूद जो अपनी सेनाओं के लिए बहुत ही जरूरी, खाने से भी ज़्यादा जरूरी एक रहता है, वो जिम्मेवारी हमें मिली वहाँ तक पहुँचाने की। और उसी जिम्मेवारी को हमने बखूबी मेरी यूनिट द्वारा निभाया गया। रास्ते में एक घटना और हुई, जब हम लोग बिल्कुल नज़दीक थे कारगिल बेस कैंप के, तो बम्बार्डमेंट, क्योंकि जो हमारी कारगिल के अंदर जो टॉप था, जो टाइगर हिल थी, वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में थी और जित जो हमारा हाईवे है वहाँ से वो सारी जितनी एक्टिविटी थी हमारी देख पा रहे थे और वहाँ से वो बम्बार्डमेंट कर रहे थे। तो रात में ही हम ज़्यादातर मूवमेंट करते थे उस दौरान, और कम्युनिकेशन के कोई ज़्यादा साधन नहीं थे। तो उस दौरान एक हमारे आगे चल रहे एक प्राइवेट ट्रक जिसके अंदर डीजल वगैरह वहाँ ऊपर लेके जा रहे थे, उसके ऊपर आके एक बॉम्ब गिरा और कुछ समय के लिए हमारी सांसें थम गई। हमें लगा कि सब कुछ जो है वो एकदम एक ही झटके में ख़त्म हो चुका, पर जैसे अपने आप को टटोला और 2-3 मिनट के बाद हमें दोबारा से अंदर से जोश आया और देखा कि हम सब सुरक्षित हैं और हम वहाँ तक पहुँचे। उस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ हमारे बीच में और ये गोला बारूद जो चल रहा था, गोलीबारी चल रही थी, एक जोश था उस टाइम, देखने लायक जोश था। और इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारे हर वर्ष पता नहीं कितने ही सैनिक जो हैं हमारे सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में जो हमारा रहा, मेरा लगभग 10 साल का टर्नओवर जम्मू कश्मीर में रहा, और वहाँ पे जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग घटना, ये हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह सिविल के बीच में, ज़रूरी नहीं है। और एक कहावत भी है कि फौजी को वर्दी पहनने के बाद किसी भी तरह का यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है या किसी भी तरह का कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म डाली है वही उसका सबसे बड़ा प्रूफ है। हर कोई इंसान इसके लायक भी नहीं है और इसमें अगर वो चाहे तो वो डाल भी नहीं सकता, उसके लिए जज्बा भी ज़रूरी है। आज हमारी जो सेनाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। इस आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे ये लगा कि युवाओं के अंदर एक जोश की ज़रूरत है और हमारा जो तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जो यात्रा अभी जो चल रही है, उसी दौरान इस यात्रा के मैंने देखा कि हर युवा के दिल के अंदर एक जज्बा भरा हुआ है और अपने तिरंगे के प्रति जो प्यार है, मोहब्बत है, वो मोहब्बत देखने लायक है। और मैं हमेशा कहता भी हूँ कि ये मेरा जो तिरंगा है, मेरे भारत का जो तिरंगा हमेशा मेरे दिल में है, मेरे तन बदन में है, वो क्या दिखाता है, क्या समझाता है हमें, विश्व के अंदर हमारी एक पहचान बनाता है ये तिरंगा, भारत माँ का ये तिरंगा, जिसके लिए हम हमेशा कहते हैं, हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि मेरी आन सिर तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है। और मेरी तो अगर माने तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि ना तन चाहिए,
न धन चाहिए अमनो चैन से भरा मेरा वतन चाहिए, न तन चाहिए न धन चाहिए अमनो चैन से भरा मेरा वतन चाहिए। जब तक जीऊँ देश के लिए जीऊँ, और जब मरूँ तो मुझे तिरंगा कफन चाहिए, मुझे तिरंगा कफन चाहिए, जो एक सैनिक के लिए सबसे बड़े गौरव की बात होती है, तिरंगे में लिपट कर आना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो उस समय साथी थे, आपस में बात होती थी जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, तो कुछ साथी ऐसे भी हैं जो उस समय शहीद हुए हों, तो क्या उनके वो आखिरी बोल थे जब आप उनको लेके बेस कैंप लग आते थे, कुछ क्या जो घायल मैं होते थे? हमेशा जब कभी भी अपने बात करते हैं जब युद्ध के दौरान की, तब बहुत सारी बातें होती हैं। मेरे भी मन से कुछ निकला था उस दौरान कि मेरे कुछ साथियों ने उसी टाइम कहा, अरे साहब ये तो बड़ा धमाके हो रहा है, और हम लोग तो प्रादेशिक सेना में रह रहे थे, प्रादेशिक सेना के जवान मेरे साथ जो थे वो कहने लगे कि सर अब क्या होगा। तो अनायास ही मुँह से निकला कि कुछ नहीं होगा, या तो हम तिरंगा लहराएंगे या फिर उस तिरंगे में लिपट के हम घर आएंगे। और ऐसे ही हमारे बहुत सारे जो सैनिक हो तिरंगे में लिपट के घर आए, और जब हम वापसी आते थे तो कई सैनिक दोस्तों को मित्रों को हमने उनके घर तक जब पहुंचाया। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं राजनीतिक, मैं हम लोग सेना में हैं इसलिए राजनीति की कोई बात भी नहीं करते, बट उस दौरान एक बहुत अच्छी जो पहल थी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई, वो थी कि उससे पहले हमारे सैनिकों के जो शव थे वो घर नहीं आते थे, उनका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया जाता था, और उनकी यूनिफॉर्म और तिरंगा जो है वो घर पे लेकर उनके जो पेरेंट्स थे या उनकी जो पत्नी थी उनको सौंप दिया जाता था। लेकिन इस दौरान एक बहुत अच्छा ये पहल थी कि हमारे सैनिकों की जो डेड बॉडीज है वो घर तक पहुंचाई गई, ताबूत के अंदर हम पैक करके घर लेके आते थे तिरंगे में लपेट कर, और जब वो घर पहुंचती थी तो कम से कम उनके पेरेंट्स को, उनके माता पिता को ये यकीन था कि मेरे बच्चे ने मेरे दूध की लाज रखते हुए देश को कुर्बान किया। एक माँ ने मुझे कहा कि एक बार चेहरा तो दिखा दो, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हम किस को चेहरा दिखा ही नहीं पा रहे थे कि क्योंकि उसके अंदर बहुत अस्त व्यस्त हमारे जो जवानों के शरीर थे, तो उनको सीधा डायरेक्ट हम लोग अग्नि के सुपुर्द कर रहे थे। लेकिन उन माँ बाप को एक यकीन था कि हमारे बच्चे ने शहादत दी है, और गर्व महसूस कर रहे थे वो लोग कि ये शहादत के बाद। तो ऐसे जो हमारे जितने भी हमारे साथी शहीद हुए उन सबको आज नमन करते हैं हम, क्योंकि वो देश के काम आए और देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। ये जो रहता है जज्बा, ये जज्बा सिर्फ इसलिए नहीं रहता कि हम सेना में भर्ती हुए हैं और हम शहीद हो जाएं, इसका जज्बा रहता है ये हमारा तिरंगा।